प्यारा है ये। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सुमित। देखो ना, दिवाली की कितनी सारी गिफ्ट्स हैं। अच्छा, किसी ने BMW भेजी है? नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट चाहिए तो बोलो। पूछ ही रही हो तो फिर नहीं, वो नहीं। फिर तुम जो भी करना चाहती हो कह दो। अब कह ही रहे हो तो मैं सोच रही थी सुमित, क्यों ना इस साल दिवाली का डिनर हम अपने यहाँ रखें। मेरी अंतर्यामी शक्ति मुझे कुछ कह रही है, कह रही है खतरा। सुमित, हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं हमेशा दिवाली का डिनर तुम्हारे मम्मी जी पापा जी के यहाँ होता है। इस साल मैं सबको मेरे घर बुलाना चाहती हूँ, अपने हाथों से बनाई दावत खिलाना चाहती हूँ। तुम मम्मी जी से बात करोगे? कंफर्म, डेफिनेटली खतरा है। सुमित, सुमित, तुम अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करोगे? अपनी बीवी को छोड़ के अपनी मम्मी जी की साइड लोगे? क्या फर्क पड़ता है, यहाँ करें या नीचे करें, जो रिवाज चलता है वो चलने दो ना माया। सुमित, हमारा अपना भी घर है, अपनी भी फैमिली है। बच्चे बड़े होंगे तो क्या बस मम्मी जी पापा जी के घर की दिवाली याद करेंगे, हमारे घर की नहीं? हमें कुछ रिवाज हमारे घर पे भी शुरू करने चाहिए ना। पर दिवाली पर ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे बर्थडे से लेके करवा चौथ तक सब कुछ मम्मी जी करती हैं। मैं बस मेहमान बनी खड़ी रहती हूँ। कम से कम इस दिन को तो मैं कुछ कर सकती हूँ ना सुमित। पर मम्मी जी दिवाली पे क्या जबरदस्त दावत बनाती हैं, उनकी कुकिंग की वजह से तो हमने उनके साथ रिश्ता रखा हुआ है। दावत तो मैं भी अच्छे बना सकती हूँ, तुम एक बार उनसे बात तो कर लो। मोनू, मोनू, जरा तेरे पापा जी की मदद कर। यार, देख ना, धनतेरस के बर्तन खरीदने के लिए भेजा था, ये क्या उठा लाए? Don't touch my hula hoop. इस चक्रों से निकलना आता है मुझे। साला हाथ निकल रहा है पर ना पैर निकल रहा है ना सर निकल रहा है। पापा जी, ये क्या है? दिवाली टाइम पे वेट लॉस प्रोग्राम। इस हुला हू से कमर हिलेगी, कमर हिलेगी तो वजन घटेगा, वजन घटेगा तो भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो मैं दिवाली की मिठाई डबल खाऊंगा। अच्छा, आप सीरियस थे? हुला हूप से कुछ नहीं होने वाला, और गुलाब जामुन खाओगे और गोर हो जाओगे। अबे मोनू, बड़े दुख की बात है, लोग सिर्फ तन को देखते हैं, अबे कोई मेरे अंदर भी झांक के देखे। तुम्हारे अंदर क्या है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। 25 गुलाब जामुन है, 5 किलो बर्फी। सुबह से डकार ले रहे हो, जाओ एसिडिटी की दवाई खाओ, कबर्ड में रखिए। पता है, पता है। वाह माया जी, घर कितना अच्छा सजा है, काफी कुछ नया खरीदा है, ये लैंप कवर्स। तुम्हारे घर में तो दिवाली की रौनक है। हाँ मम्मी जी, और मैं सोच रही थी कि इस साल रौनक और बढ़ाऊं। बैठिए ना। मम्मी जी, क्यों ना इस साल दिवाली का डिनर हमारे यहाँ रखें, इस घर में। माया, अब तुम ही सोचो, ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं सारा खाना नीचे पकाऊं और फिर एक एक चीज लेके ऊपर आऊं, है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इस साल डिनर मैं बनाऊं, हमेशा आप तकलीफ क्यों उठाएं? इस घर के लिए कुछ करने में ना मुझे तकलीफ नहीं होती। सुमित। मम्मी जी, माया ने अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। ये तो मुझे कह रहे हो या अपने आप से कह रहे हो? भाई, मैं तो कहता हूँ कुछ भी बनाओ देसी घी में बनाओ, क्योंकि दिवाली की दावत में थोड़ी सी एसिडिटी, थोड़ी सी गैस और छोटा मोटा दिल का दौरा अलाउड होता है। चलो, अब फैसला तुम लोगों को लेना है, माया के हाथ का खाना यहाँ खाना है या मेरे हाथ का खाना नीचे। जहाँ मैं बनाऊंगी 3 सब्जियाँ, 3 स्टार्टर, 7 रंगी पुलाव, 2 स्वीट,
और मेरे हाथ के खास मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू? वही तो, सोच लो। अबे मैं तो दोनों जगह हाथ मारूंगा। डॉनी, दावत से पहले जरा लस्सी पिला, मूड कर रहा है। अच्छा खासा मम्मी जी दावत बना रही थी, लेकिन नहीं 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 नहीं। सुमित, तुम सही कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये पंगा तो क्या? दिवाली के दिन सब कुछ मिलजुल के करना चाहिए। तुम जाके मम्मी जी से कहो कि दिवाली डिनर हम नीचे रखेंगे। मैं उन्हें ऐसे नाराज नहीं देख सकती। चलो अकल तो ठिकाने आई। मोतीचूर, मैं आ रहा हूँ। हाँ, पर मम्मी जी से कहना कि दावत तो मैं ही बनाऊंगी, ओके? यार, दिवाली के दिन भी एक निवाला आराम से नहीं खाने दोगी क्या? माया, देखो, माया, तुम्हारे हाथ कितने नाजुक हैं। इतने सारे लड्डू बनाते बनाते खराब नहीं हो जाएंगे? वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इस साल मैंने सोचा है कि मोतीचूर के लड्डुओं की जगह एक मिनट, मोती चूर के लड्डुओं की जगह मतलब? लड्डू तो सब बनाते हैं सुमित, लेकिन मैंने सोचा है कि इस साल मैं बनाऊंगी बिस्किट पुडिंग। पुडिंग? देखो, पहले बिस्किट को ऐसे डेकोरेट करते हैं और फिर तुम दिवाली पे हमें बिस्किट खिलाओगे? बिस्किट नहीं, बिस्किट पुडिंग सुमित, बहुत ही टेस्टी होता है। पर शुभ थोड़ी ना होता है सुमित, प्लीज। वो भारी देसी घी के लड्डू सेहत के लिए शुभ होते हैं क्या? मैं जैसे बर्थडे पे केक काटा जाता है, होली पे गुलाल का पैकेट काटा जाता है, धनतेरस पर पति का बटुआ काटा जाता है, ठीक वैसे दिवाली पे मोतीचूर लड्डू बनाने की परंपरा है। लेकिन सुमित, मैं तुम्हारी मम्मी जी जितने अच्छे मोतीचूर के लड्डू कभी नहीं बना सकती। मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। लेकिन लड्डू के दिन पुडिंग, प्लीज यार, ये स्टंट करने के लिए कोई और दिन चूज करो ना। करवा चौथ के दिन बनाओ पुडिंग। शाम तक ऐसा हाल हो जाता है कि जहर भी खा लें सब। मम्मी जी को मना लिया? यहां हमारे प्यार को कोई नहीं समझ सकता माया। मैं तुम्हें कहीं भगा के ले जाना चाहूंगा। दोनों बच्चों के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन वैसे भी अभी को हम लोग तो याद नहीं रहने वाले। हुआ क्या सुमित? मम्मी जी ने तुम्हारी बात मान ली और बस उन्होंने सिर्फ कुछ और लोगों को बुला लिया। सिर्फ कुछ? मतलब कितने और? हैप्पी अंकल, गुड्डी मासी, जॉली फूफा, निप्पी अंकल, मंजीत अंकल, मिनोचा जी, सब परिवार सहित। ओह माय गॉड। और माया, सबसे बुरी खबर तो मैंने अभी तक नहीं बताई। उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि माया बिस्किट का हलवा बनाने वाली है। पुडिंग, हलवा, पुडिंग, चूहे मारने का जहर, ये सब सिर्फ शब्द हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जाल बिछाया जा चुका है माया। जाल? कैसा जाल? सोचो माया, मम्मी जी ने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि इस बार दिवाली की दावत तुम बना रही हो, ताकि मुझसे कोई भी गलती हो तो सबके सामने पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओह माय गॉड, सुमित, तुम्हारी मम्मी जी मेरे लिए जाल बिछा रही है। यही तो मैं कह रहा था। मेरी बात सुनो। हाँ? तुम लड्डू बना दो, सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी जी जैसा लड्डू नहीं बना पाऊंगी। मुझे मेरे बिस्किट के हलवे में पूरा विश्वास है। पुडिंग, हलवा, पुडिंग, चूहे मारने की, जो भी हो। सुमित, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हमें अभी शुरू करना होगा, कल टाइम नहीं बचेगा। चलो चलो, बहुत काम है। चलो सुमित, जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड, इतना टाइम कैसे लग गया? माया, ये लो मक्खन।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दो भूखी शेरनियों से बचाकर आ रहा हूँ, एंड तक घूर रही थी मुझे। औरतें और अब हैप्पी दिवाली इंडिया इंग्लैंड। सुमित ये सफेद मक्खन नहीं है, ये नॉर्मल बटर है। पर तुमने मक्खन ही तो कहा था। दाल मक्खनी के लिए, तुम्हारी मम्मी जी की ब्राउन कलर की दाल जो तुमने जिंदगी भर खाई है सुमित। माया मैं जानता हूँ दाल मखनी, मम्मी जी बचपन में बनाया करती थी और जब सफेद मक्खन उसके ऊपर डाल दी थी, हाय 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 हाय। सफेद मक्खन यार। सुमित एक काम करो, बालकनी का दरवाजा खोलो, दाल के साथ मैं कूद जाती हूँ। माया मीठा बनाने के बाद आत्महत्या करना, वरना मम्मी जी का खाना नहीं पचेगा। माया ये जोक था, तुम लोग अमृतसरी कोफ्तों की तरह गर्म हो गई। अमृतसरी कोफ्ते जो मैंने तुम्हारी मम्मी जी से बैटर बनाया है, कहाँ गए कोफ्ते? कहाँ गए कोफ्ते? कहाँ गए? अरे माया चिंता मत करो, ये ब्रेड पुडिंग देखो ना, तुमने कितनी कमाल की बनाई है। सुमित तुम्हारी मम्मी जी से बैटर बनाए थे कोफ्ते, ड्राई फ्रूट्स डाले थे उनमें, मेरे मेन्यू के स्टार थे वो कोफ्ते, मेरी आंखों के तारे थे वो कोफ्ते, मैंने जिंदगी में इतनी अच्छी चीज कभी नहीं बनाई है। नॉनसेंस, तुमने दो खूबसूरत बच्चे बनाए हैं। भाड़ में गए बच्चे। अगर वो कोफ्ते नहीं मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माया ये क्या है? मेरा बच्चा। इंडिया इंग्लैंड। सुमित अटक गया, लगता है चिपक गया, निकल नहीं रहा है। थोड़ा जोर लगाओ ना माया। लगा रही हूँ। हाँ माया कोशिश करो, निकल जाएगा माया, निकल जाएगा, निकल जाएगा। या या यू कैन डू इट माया, कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, या 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 गुड गुड। जोर लगा। हाँ माया वी आर ऑलमोस्ट देयर, मुझे छोटे छोटे बादाम नजर आ रहे हैं। यस माया। मुबारक हो, आपको कोफ्ते हुए हैं। I'm sorry, ये सब समेट लेना। बेक डिश अवन, मैं अभी डायपर। तुम जाओ, मैं सब समेट लूंगा। हाँ Very good. He's lofted it high and handsome for six. Yes. Good use of the bottom hand to get the elevation and clears the fence with ease. With that six, India move up to 30. ठीक हूँ मेरे स्वीटू। Much better. India England. मेरी biscuit pudding कहाँ है? वो वहीं पे। And this, as I said, is the resurrection time. The captain has got to meet Oh, वो मैंने शायद फ्रिज के अंदर रख दी होगी। तुमने फ्रिज में रख भी दी? तुम भी ना। 28 is what Virat has now moved up to, and with that single, the 15 and 5.
It's not the time that's important. तुमने मेरी बिस्किट पुट अवन में माया नीचे घंटी बज गई मेहमान आते होंगे मैं ना नीचे चलता हूँ ये सब रखने के लिए तुम ठंडा पानी पी लो थोड़ी सी सांस ले लो ठीक है ठीक है दरवाजा बंद कर दरवाजा बंद कर अरे ये क्या आप लोग मेरे बगैर पटाखे चलाने की आवाज नीचे कर क्या हुआ पापा जी का रॉकेट सामने वाले अरोड़ा जो है उनकी खिड़की के अंदर चला गया या फिर यू कहे कि अरोड़ा आंटी के नाइटी के अंदर लगता है नाइटी आ गई सुमित जरा हेल्प करोगे प्लीज ओ, ये तो माया है ला, ला बेटा ला 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 अरे बेटा दरवाजा बंद करना हैप्पी दिवाली मम्मी जी सोनू तेरे पापा जी कहाँ हैं मम्मी जी पुडिंग आपने लड्डू बनाए मम्मी जी मैंने आपसे कहा था मैं खाना बनाने वाली हूँ हाँ लेकिन वो दिवाली के दिन बिस्किट का हलवा अच्छा नहीं लगता ना मम्मी जी आप हर बार ऐसा नहीं कर सकती हैप्पी दिवाली चलिए 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 खाना तैयार है चलो भाई चलो बोलो मुंह मीठा कर सबका अरे आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि मैं आप लोगों का मुंह मीठा करूंगा मैं तो कहता हूँ हैप्पी दिवाली कहिए और मीठे पर टूट पड़िए हैप्पी दिवाली आप अरे लीजिए ना लीजिए और पुडिंग लीजिए पुडिंग लीजिए पापा जी हमें पता नहीं गई खड़े हो जाइए पापा जी खड़े हो जाइए ऊपर देखिए पापा जी पुडिंग अटक गया होगा गले में लड्डू भी तो अटक सकता है क्या कर रहे एक दो तीन अबे मेरे को भी देखने दे बाहर से कुरकुरा अंदर से नरम पुडिंग कहा था ना मैंने मैंने कहा था ना पुडिंग आप भी ना मम्मी जी माया माया छोड़ो ना अच्छा सुनो मैं तुम्हारी पुडिंग फिनिश कर दूंगा पापा जी के गले में पुडिंग अटक गई तो ये मेरी गलती है क्या माया गलती मेरी है एक बात कहूँ माया तेरी दावत है ना बहुत अच्छी लग रही है कितनी वैरायटी बनाई है तुमने पता है उसकी ना खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ गया और तेरा बिस्किट पुडिंग उसका तो जवाब नहीं थैंक यू मम्मी जी पता है माया मेरी सास थी ना तेरे पापा जी की माँ मुझे भी दिवाली पे कुछ नहीं करने देती थी मैं ऐसे ही एक कोने में ना हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती थी लेकिन मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहती सचमुच तेरा पुडिंग बहुत अच्छा था लेकिन
थोड़ी देर नहीं कर दी आपने ये? देर आए दुरुस्त आए। अरे मुरु, ये ना सारी फुजड़ियाँ छुपा दे और कोई पूछे ना कि मैं कहाँ हूँ तो कह देना तीर्थ यात्रा पर गए हैं हरिद्वार। क्या हुआ, निशाना फिर से चूक गया? नहीं, निशाना तो सही लगाया था अरोड़ा के डिश एंटेना की तरफ, पर यार दिवाली की नाइट पे कोई नाइटी पहन के छत पे घूमता है क्या? हरिद्वार बोलियो, हरिद्वार।